हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक, मज़े में, फिट फाइन। मैं आपको वेलकम कहता हूँ ट्यूटोरियल नंबर 2, जो कि HTML5 और CSS3 के बारे में है। इस ट्यूटोरियल में हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, कोडिंग शुरू करेंगे, टैग्स लिखना शुरू करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो आप लोगों ने उम्मीद है कि नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर आपने नोटपैड प्लस प्लस नहीं इंस्टॉल किया तो कोई मसला नहीं, आप अपने फेवरेट वर्ड एडिटर में ओपन करके जो कोड मैं आपको बताऊंगा वो आप टाइप कर सकते हैं और उसी तरह आप सेव कर सकते हैं और उसी तरह से आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि मैं नोटपैड प्लस प्लस को क्यों पसंद करता हूँ, क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी होती है। तो हम एक नई फाइल ओपन करते हैं। फाइल मेन्यू पे मैं क्लिक करने के बाद न्यू की कमांड मैंने क्लिक की और इसने मुझे एक नई ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया है। याद रखिए कि हमारे जो HTML5 पेजेस होते हैं या फिर वेब पेजेस होते हैं, उनकी एक्सटेंशन या तो HTM हाइपर टेक्स्ट मार्कअप या फिर HTML होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस पेज को मैं HTML की एक्सटेंशन के साथ सेव करता हूँ। फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद मैं सेव एज पे आया और मैंने अपने इस फाइल को सेव करने के लिए सेव एज टाइप में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल HTML.htm.shtml वाले हिस्से को सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके मैं अपनी फाइल का नाम देता हूँ, क्योंकि ये हमारा पहला पेज है तो हम इसको first.html के नाम से सेव करेंगे। वैसे आमतौर पे जो वेबसाइट्स का पहला पेज होता है वो index.hgm या index.html या home.html के नाम से सेव किया जाता है, लेकिन इसको मैं first.html के नाम से सेव कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिकली हमारी first.html5 की एग्जांपल होगी। इसने मुझे मैसेज दिया क्योंकि मेरे पास पहले से वो फाइल मौजूद थी, लेकिन आपको ये मैसेज नहीं आएगा और इसको हमने सेव कर लिया। HTML5 के अंदर कोडिंग करने के लिए हम टैग्स यूज़ करते हैं। टैग्स जो होती हैं स्पेशल, आप समझ लें, कमांड्स होती हैं जो कि लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर लिखते हैं। तो इससे हमारे ब्राउज़र को पता चल जाता है कि ये HTML टैग है और इसको उसने प्रोसेस करने के बाद प्रेजेंट करना है। जो भी चीज़ लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर आएगी वो उसको हम HTML टैग कहते हैं। HTML5 का पहला जो टैग है उसमें हमें इसको डॉक टाइप यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप बतानी होती है। ये बेसिकली हमारे ब्राउज़र्स को मदद करने में मदद करता है। तो मैंने लिखा डॉक टाइप और HTML, इससे हमारे ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है, ये पेज जो है, वो HTML5 के कोडिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, यानी कि HTML5 के इसमें टैग्स यूज़ किए गए हैं। इसके बाद हमने अपने ब्राउज़र को बताना है कि इट्स एन HTML डॉक्यूमेंट, ये HTML का पेज है, तो हम इसमें HTML और इसके बाद हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें अच्छी बात यह है कि हम इसको बता दें कि इसमें हम किस लैंग्वेज के टैग्स यूज़ करेंगे। हम इसमें अंग्रेज़ी ज़बान के टैग्स यूज़ करेंगे और जो भी टैग हम ओपन करते हैं याद रखिए उसको हमें क्लोज करना होता है। तो इसको मैं HTML के नाम से के टैग से क्लोज भी कर देता हूँ। आप ये देखें कि नोटपैड प्लस प्लस इस वक्त डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर रहा है, जिससे हमें बाद में अगर हमारी
कोड बहुत बड़ा हो जाए तो हमें इसको पढ़ने में बहुत आसानी होती है। मैं लाइन नंबर 3 पे आया और मैंने एक दफ़ा टैब प्रेस की ताकि मुझे पता चल जाए कि इस मेन HTML के डॉक्यूमेंट में और कौन कौन से टैग्स हैं। आप ये समझ लें कि HTML पेज के बेसिकली दो बड़े हिस्से होते हैं, एक उसका हेड होता है और दूसरा उसकी बॉडी होती है। तो सबसे पहले मैंने हेड का टैग लिखा और मैंने इसको टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद ही मैंने थोड़ी नीचे जाके बॉडी का टैग ओपन किया और मैंने बॉडी के टैग को क्लोज कर दिया। आप ये समझें कि हेड के टैग जो है वो बेसिकली कंप्यूटर्स के लिए होता है, सर्वर्स के लिए होता है, हमारे पीसीज के लिए होता है कि वो समझ सकें कि बेसिकली हेड का टैग मशीन्स के लिए होता है जिसमें वो मशीन को सर्च करने में, सर्च इंजन्स को सर्च करने में आसानी होती है और ब्राउज़र्स को प्रोसेस करने में आसानी होती है और इसी तरह डिफरेंट आसानियां मशीन के लिए की जाती हैं। जबकि जो हमें पेज नज़र आ रहा होता है वो हम ज़्यादातर बॉडी के टैग में लिखते हैं। आपने देखा होगा कि आम वेब पेजेस में उसका टाइटल आ रहा होता है, जिस तरह इस पेज का वेब टाइटल है नोटपैड प्लस प्लस वर्जन 6.3 करंट वर्जन। तो वो टाइटल हम हेड के टैग में लिखते हैं। लाइन नंबर 4 पे आने के बाद मैंने एक दफ़ा टैब प्रेस किया और मैंने टाइटल का टैग ओपन किया और इसके साथ ही मैंने टाइटल का टैग क्लोज कर दिया। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जौन सा टैग ओपन करें उसके बाद ही उस टैग को क्लोज भी कर दें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इस तरह आप भूलेंगे नहीं कि आपने कौन सा टैग ओपन करके क्लोज नहीं किया। सॉरी तो हमारा टाइटल इस पेज का होगा लेट सपोज माय फर्स्ट HTML5 पेज। तो ये हमारे टाइटल बार में आ जाएगा। इसके अलावा एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम अपने ब्राउज़र को बता दें कि हम कौन सा करेक्टर सेट यूज़ करेंगे। अभी करेक्टर सेट के बारे में आपको तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को सिंपली जिस तरह हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं उसी तरह टाइप कीजिए। मेटा चार सेट इक्वल्स टू UTF-8। आप ये समझ लें कि ये हम अपने कंप्यूटर्स को आसानी के लिए ये टैग ऐड कर रहे हैं। ये काम करने के बाद हम अब अपने पेज को सेव करते हैं। आप इसको फाइल और सेव के बटन से भी सेव कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे सेव के बटन को क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। और जिधर हमने इसको सेव किया है वहाँ जाके हम अब देखते हैं कि हमारी डायरेक्टरी में first.html के नाम से एक फाइल बन चुकी है। मेरे पास इस वक्त गूगल क्रोम इंस्टॉल है तो इसलिए जो मेरे पेजेस हैं वो गूगल क्रोम में ओपन हो सकेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे आके डबल क्लिक करता हूँ तो अब ये देखें कि एक नया पेज ओपन हो गया है जिस पेज का टाइटल है माय फर्स्ट HTML5 पेज, लेकिन इसकी बॉडी में इस वक्त कुछ भी नज़र हमें नहीं आ रहा और वही टैग्स हम अब ऐड करेंगे अपने बॉडी टैग में। तो मैं दोबारा गया अपने मेन कोडिंग पेज के ऊपर और यहाँ पे बॉडी टैग में आके मैंने लाइन नंबर 9 पे टैब प्रेस की और मैंने H1 टैग ओपन किया, उसके साथ ही H1 टैग क्लोज कर दिया। मैं आपको ये बताता चलूं कि बेसिकली आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि हम किस लाइन पे क्या चीज़ लिख रहे हैं। आप सब के सब टैग्स अगर आप इसी तरह लिखते हैं तो आप इन टैग्स को एक ही लाइन पे भी लिख सकते हैं, लेकिन दूसरे डेवलपर्स की आसानी के लिए
या बाद में अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट को ख़ुद पढ़ना चाह रहा हूँ उसकी आसानी के लिए मैं इसकी फॉर्मेटिंग सही कर रहा हूँ, ताकि ये इसकी रीडेबिलिटी, ताकि इसको पढ़ने में मुझे बाद में आसानी हो और मुझे मेरा कोड जंबल अपना हो। तो हेडिंग में मैं लिखता हूँ लेट सपोज ट्यूटोरियल नंबर 2 है। H1 जो है वो हेडिंग का टैग है। इससे क्या होगा कि हमारा पेज हमारे इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे उसको एज अ हेडिंग इस्तेमाल करेगा। इसको सेव करते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि मैं फिर से जाऊं उस डायरेक्टरी में और first.html को क्लिक करके चेक करूं वेब पेज को। और दूसरा तरीका जो कि नोटपैड हमें प्रोवाइड करता है वो ये है कि आप यहाँ पे रन मेन्यू में आएं और इसको आप डिफरेंट ब्राउज़र्स में रन कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की जो है वो F5 है, जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन होगी। फायरफॉक्स में आप इसे टेस्ट कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर में, क्रोम में, सफारी में, जो कि डिफरेंट कंपनियों के वेब ब्राउज़र्स हैं और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ चलते हैं। मेरे पास इस वक्त मुझे जो पसंद है वो गूगल क्रोम पर अच्छा लगता है मुझको, तो मैं इसको लॉन्च इन गूगल क्रोम करता हूँ। इसको मैंने क्लिक किया तो अब देखें कि हमारे जो पेज है उसमें एक हेडिंग ऐड हो गई है HTML5 ट्यूटोरियल 2। इसके साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पास जो हेडिंग के टैग्स होते हैं वो 6 किस्म के हेडिंग्स के टैग होते हैं। तो सिर्फ डिफरेंस नोट करने के लिए कि हमारे पास किस किस्म के हेडिंग के टैग्स हैं, मैंने इसको कॉपी किया हेडिंग 1 के कोड को और इसको मैंने कंट्रोल सी के साथ कॉपी किया है, या फिर आप इसको सेलेक्ट करने के बाद एडिट कॉपी और सेकंड लाइन पे आके एडिट पेस्ट, या फिर इसकी शॉर्टकट की अगर आप देखें तो वो कंट्रोल वी है। तो मैं इसको 1, 2, 3 और 4 दफ़ा मैंने इसको कॉपी कर दिया। इस वक्त हमारे पास H1 के हमारे पास 6 टैग्स हैं। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं रन करके देखता हूँ तो इस वक्त आप देखेंगे कि इस वक्त हमारे पास हेडिंग 1 6 दफ़ा रिपीट हो रही है। तो इसका मकसद ये है कि हमारे पास इस वक्त 6 किस्म की हेडिंग्स होती हैं। तो मैं यहाँ पे आके इसको हेडिंग 2 करता हूँ और इसके क्लोजिंग टैग को भी हेडिंग 2 कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास हेडिंग 3 है, इसके क्लोजिंग टैग को भी मैं हेडिंग 3 कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास हेडिंग 4 है, H4 जिसका टैग है उसको मैंने क्लोज किया। इसके बाद मैंने H5 के टैग को ओपन किया और इसको क्लोज किया, और इसके बाद मैंने H6 के टैग को भी ओपन किया और क्लोज किया। मैंने अपने डॉक्यूमेंट को सेव किया, रन पे क्लिक किया और लॉन्च इन क्रोम किया। तो अब देखें कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास हेडिंग 1 आ रही है। ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6। तो ये देखें कि HTML टैग्स को यूज़ करते हुए हमने अपने ब्राउज़र को बताया कि उसने इसको किस तरह प्रेजेंट करना है। इस वक्त हम कोई भी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स नहीं यूज़ कर रहे, तो इसलिए डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र की कैस्केडिंग स्टाइल शीट है वो यूज़ हो रही है और ये हमारे हेडिंग्स को डिफरेंट तरीक़ों से प्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक टैग होता है पैराग्राफ का टैग। तो लेट सपोज मैं एक पैराग्राफ ऐड करना चाह रहा हूँ हेडिंग 1 के नीचे, तो मैं कैसे उसको ऐड करूँगा। मैं जस्ट टैब प्रेस की पैराग्राफ के टैग के लिए हम पी का टैग यूज़ करते हैं, उसको मैं साथ क्लोज भी कर देता हूँ। अभी जो हम टैगिंग यूज़ कर रहे हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि वो XHTML के उसको स्टैंडर्ड को भी फॉलो करती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो पैराग्राफ में मैं लिखता हूँ दिस इज आवर फर्स्ट HTML5 वेब पेज।
इसको मैं सेव करता हूँ और देखते हैं कि हमारा पैराग्राफ का टैग कितना यूज़ हो रहा है। बजाय इसके कि मैं इसको बार बार रन करता जाऊँ, मैं उसी ब्राउज़र के विंडो में जाऊँगा और इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देखें कि अब हमारे ब्राउज़र में दिस इज़ आवर फर्स्ट HTML5 वेब पेज का पैराग्राफ ऐड हो चुका है। तो ये दो सिंपल कुछ सिंपल टैग्स थे, और आप ये याद रख लें कि हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए आगे चलेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, अगर इसमें कोई कमी है तो कमेंट कीजिए, और कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, उस तरह वहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, कोड लिखा हुआ है, और आप उसको कॉपी कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद अपने थर्ड HTML5 ट्यूटोरियल में। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।